आमेर गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। ऐतिहासिक आंकड़े वाले गणेश मंदिर में हुआ महोत्सव का शुभारंभ। जयपुर आमेर स्थित प्राचीन सफेद आंकड़े वाले गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गणेश महोत्सव के दौरान मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल देखा गया। मंदिर के आसपास फूलों की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस ऐतिहासिक मंदिर में स्थापित गणेश जी की प्रतिमा सफेद आंकड़े की जड़ से बनाई गई है, जिसे राजा मानसिंह प्रथम ने लगभग 450 साल पहले स्थापित किया था। यह मंदिर 18 स्तंभों पर टिका हुआ है और अपनी पुरातन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के महंत चंद्रमोहन याग्निक ने बताया कि यह प्रतिमा पूरे प्रदेश में अपनी खास पहचान रखती है और यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। गणेश महोत्सव के दौरान गणेश जी का विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ गई। गणेश जी की आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भक्तों ने अपनी आस्था व्यक्त की और गणपति बप्पा से सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस महोत्सव में आमेर और जयपुर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिससे आमेर के इस ऐतिहासिक मंदिर का माहौल अत्यधिक उत्सवपूर्ण बन गया। आंकड़े वाला जो गणेश जी है, सबसे प्रसिद्ध वर्षों पुराना एक मंदिर है और गणेश चतुर्थी पे आप देख रहे हो कितने भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ महाराज है, महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रमोहन शर्मा। कितना पुराना मंदिर है ये? 452 साल पुराना हो गया, 453 साल बाद चल रहा है। अपने क्या क्या मान्यता यह है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। 7 गुरुवार यहाँ पे जो भी दिल देता है और सभी प्रकार के यहाँ पे बीमारियाँ बीमारियाँ जो भी आती हैं उनकी सबकी पीड़ा दूर हो जाती है। ये सफ़ेद आगरे के घर के गणेश जी और उनके गले में हैं। महाराज जमान सिंह जी के समय का मंदिर है, 16 शताब्दी का, और यहाँ पे जितने भक्त हैं सब कार्य से जुड़े हैं। हाँ, बावड़ी पर विराजमान, बावड़ी पर विराजमान है मंदिर, यानी पहले बावड़ी थी, बावड़ी पर मंदिर बनाया गया है। क्योंकि सफेद आश्रम जबकि जो गणेश जी हैं उनके पानी के टैंक को बिठाया जाता है, क्योंकि तांत्रिक मूर्ति होती है, सभी ये चीज़ें जो आप बता रहे हो इतिहास के अंदर जो अपन बता रहे हैं, आप कहते हैं कि जो मान्यता पूरी होती है, जिस तरीके से मान्यता पूरी होती है, जिस तरीके से अपने जो पूर्वज हैं कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी, चार पीढ़ी उससे पहले जो पुरानी पीढ़ी वो किस तरीके से क्या सब उसी टाइम से जिस तरह पूजा पाठ होती आ रही है, उसी तरह पूजा पाठ होती आई है, यानी जैसे हम कर रहे हैं वैसे वो करते हैं, यानी निस्वार्थ भावना से यहाँ पे पूजा की जाती है, सभी भक्तों की कार्य से जुड़ी एक ये पूरे विश्व में एकमात्र सफेद आंकड़े गणेश है। और राजा जयसिंह के टाइम यहाँ दो प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा युद्ध के समय राजा के टाइम हरियाणा वगैरह कई जगह उनका इतिहास कायम है, तो ये पूरे विश्व में एक मंदिर है अंकर गणेश जी का, जो ये बहुत पुराना मंदिर है, इसकी शताब्दी का कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि अम्बकेश्वर अम्बा और अम्बरीश के नाम से ये नगरी अम्बावती नगर है, तो अम्बावती नगर का इतिहास अम्बकेश्वर से स्टार्ट होता है। तो ये मंदिर पूरा विलक्षण है पूरे विश्व में, जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं और भक्तों की बहुत बड़ी मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी 7 बुधवार को यहाँ आता है वो मनमंचित फल पाता है। इनकी जो पूजा होती है विधि विधान से, पंडित चंद्रमोहन जी शर्मा जो कि आज तंत्र क्रियाओं में भी प्रवीण और दक्ष है और वो ज्योतिष में भी प्रवीण है, तो ये मंदिर एक विलक्षण ऐसा है पूरे विश्व में, जिनके नाम से सफेद अंकर गणेश जी के नाम से इनको जाना जाता है, जिनका नाम अंकर गणेश के नाम से लोग बात आंकड़ा के गणेश जी कहते हैं। मैं विनोद कुमार शर्मा, आमेर उप नारायण, गवर्नमेंट गाइड। आज गणेश चतुर्थी के मौके पे आप काफ़ी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है, अपने आकर्षण गणेश जी के मंदिर है और जो बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी।